फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना जो कि नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं, यानी कि ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपको भी कोई रॉन्ग नंबर से ज़्यादा कॉल आ रहा है तो आप उस नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। कई लोगों को नहीं पता होता है ब्लॉक करना, कैसे ब्लॉक किया जाता है, तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। चलिए जानते कैसे ब्लॉक करेंगे किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर को। तो सबसे पहले आपको डायल पैड पर जाना होगा। डायल पैड पर जाने के बाद एक थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे के बाद ब्लॉक नंबर्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ऐड नंबर का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करना है। आपका जो भी नंबर हो यहाँ से आप डायल करके ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अनब्लॉक करना हो तो भी आपको ये एक्स वाला ऑप्शन दिखता है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अनब्लॉक कर देंगे। कई लोगों का सवाल ये होता है कि हमने नंबर है जो कि ब्लॉक कर दिया है और सेव किया हुआ नंबर भी मैंने डिलीट कर दिया है और वो ब्लॉक हो चुका है, लेकिन कॉल आता है तो कॉल नहीं लगता है और वो नंबर मेरे को याद भी नहीं है और लिस्ट में कैसे पता चलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ब्लॉक नंबर को कैसे पता करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं इस नंबर को लेता हूँ और यहाँ से ये ब्लॉक लिस्ट में डाल देता हूँ। अब ये यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पर ये ब्लॉक हो चुका है नंबर। अब चलिए अब इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब ये डिलीट हो चुका है लेकिन आपका इधर सेव भी नहीं है कोई नंबर, ठीक है। अब इस नंबर को ब्लैक लिस्ट से बाहर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी आपको सेटिंग में जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं ब्लॉक नंबर, और यहाँ पे आपको ब्लैक लिस्ट वाला नंबर देखने को मिल जाएगा और यहाँ से ईजिली अनब्लॉक कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में आपको पता चल गया ब्लॉक या फिर अनब्लॉक करना अपने मोबाइल नंबर को। और ये मोटोरोला की डिवाइस में बताया हूँ, और ज़्यादातर एंड्रॉयड जिसमें आइकन्स इस तरीके का दिखेगा उन सभी फ़ोन में आप इसी प्रकार से ब्लॉक कर सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।